नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 590वां एपिसोड। आज 7 अप्रैल की तारीख हो गई है और भैया रोज की तरह आज भी क्रिकेट और आईपीएल के हवाले से स्पेशली दिनभर की 10 तड़कती भड़कती खबरें लेकर हम हाजिर हैं। एक देश एक जगह ऐसी है जहां पर लग गया अचानक से आईपीएल मैचों के टेलीकास्ट पर बैन। कौन सा देश है वो भी बताएंगे। पॉइंट्स टेबल में कुछ चक्रव्यूह तैयार हो रहा है वो भी बताएंगे। तो एंड तक वीडियो देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले देते हैं, लाइक और शेयर तो बनते ही है, करते ही आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिनभर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो जड्डू जो कि इस समय महेंद्र सिंह धोनी की राजगद्दी को संभाले हुए हैं चेन्नई की टीम में, एक बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने। जडेजा बोल रहे हैं कि एमएस धोनी डिसाइडेड टू गिव अप कैप्टेंसी 2 मंथ बैक। आपको याद होगा 4 महीने पहले मैंने बोला था, माय क्रिकेट प्रोडक्शंस ने बोला था कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो छोड़ देंगे कप्तानी, तो हमारे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि हम पहले थे। और जडेजा ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है, बोल दिया है कि धोनी ने पहले ये डिसाइड कर दिया था, तो हमारी खबर पे एक बार फिर से मोहर लग गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी खबर की। तो लखनऊ और दिल्ली की टीमें आज एक दूसरे के आमने सामने होगी। अगर इस मैच की प्रिडिक्शंस की बात करूं तो ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। मोस्टली लोग बोलेंगे कि लखनऊ की टीम इस मैच में एज लेगी बिकॉज दिल्ली अभी थोड़ी नीचे गिरी हुई है, बट कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी अगर दिल्ली में हो गई तो दिल्ली भी जीत सकती है। वार्नर को लेकर अभी भी सवाल है, सो इफ वार्नर प्ले देन दिल्ली इस मैच को जीत जाएगी। प्रिडिक्शन लिख दीजिए। अगर वार्नर नहीं खेलते तो फिर लखनऊ के पक्ष में ये मैच जाएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन थी। और भैया ये जो लखनऊ और दिल्ली वाला मैच है ना, इसके लिए आज हमने रखा है सिर्फ स्पेसिफिकली आज के मैच के लिए 1 लाख रुपए का गिव अवे। तो आपको क्या क्या करना है वो पूरी स्टेप समझ लीजिए, गिव अवे का हिस्सा बन जाइए, फ्री में 1 लाख रुपए ले जाइए। फर्स्टली नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक खोलिए, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे वाली लिंक जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे MCP2022 कोड का आप इस्तेमाल कीजिए माई 11 सर्कल ऐप पर, और गिव अवे का यहां पर आपको जो कॉन्टेस्ट चल रहा है फ्री गिव अवे वाला वो आपको मिल जाएगा। आज के मैच में कुछ भी नहीं करना है आपको, गिव अवे साथ में मिल ही जाएगा। नीचे वाली लिंक खोलेंगे 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही माई 11 पर जितने भी कॉन्टेस्ट है ना आज सब पर भारी डिस्काउंट है। और क्योंकि लखनऊ वाला मैच है, माई 11 सर्कल ऐप लखनऊ की टाइटल स्पॉन्सर है, आज 2 करोड़ रुपए का जैकपॉट है, फ्री में 1500 तो मिल ही जाएंगे लेकिन फ्री में गिव अवे मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज सिर्फ आज के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर, एक्सक्लूसिव ऑर्डर। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक खोलिए, माई 11 को डाउनलोड कीजिए, खेलिए दादा के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है शोएब अख्तर के हवाले से। अब ये पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ा मजा आता है आईपीएल के बारे में बातें करने को। क्यों? क्योंकि लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं आईपीएल के बारे में। इसी को लेकर अख्तर साहब ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है डोंट सी एनीथिंग स्पेशल इन फाफ डू प्लेसिस कैप्टेंसी। वो कह रहे हैं कि फाफ डू प्लेसिस की जो कप्तानी है उसमें शोएब अख्तर को मतलब मुझे कुछ भी ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। उनका कहना यही था कि विराट कोहली ही अच्छे कप्तान थे। हालांकि अभी तक हिंदुस्तान के तो कई जो कह लें फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई फाफ डू प्लेसिस जो है वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है भाई? मैं तो ना अख्तर की सुन रहा हूं, ना एक्टर की सुन रहा हूं, ना इंडियंस फॉर्मर प्लेयर्स की सुन रहा हूं। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की चौथी बड़ी खबर की। तो हरभजन सिंह ने बड़ी बात कह दी और संजीदा बात कही धोनी को लेकर। उन्होंने कहा डोंट स्पून फीड जडेजा, जडेजा को धोनी स्पून फीड ना करें कप्तानी। हो ये राय दोस्तों कि चेन्नई के मैचों में कप्तान तो जडेजा रहते हैं लेकिन धोनी सब कुछ करके दे दे रहे हैं जडेजा को, जिसके चलते जडेजा का तो मुंह उतरा हुआ नजर आता है, ये जडेजा कप्तानी करते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। और स्पून फीड का मतलब ये होता है कि जिस तरह से बच्चों को खाना खिलाया जाता है मुंह में चम्मच देकर, उसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी एक तरह से जडेजा को मुंह में खिला रहे हैं और जडेजा को खुद कुछ नहीं करने दे रहे हैं। जाहिर है जडेजा के पास कप्तानी का कोई अनुभव भी नहीं है, तो ये सारी चीजें हरभजन सिंह को पसंद नहीं आई। मेरे हिसाब से धोनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर एंड जडेजा को लेकर भी, और इसीलिए वो ये कर रहे हैं और इसी को तो महान खिलाड़ी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट केकेआर और एमआई के मैच से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल दोस्तों केकेआर एमआई मैच में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या सचमुच जसप्रीत बुमराह और नीतीश राणा ऐसा कर सकते हैं, और स्पेशली बुमराह से तो इस चीज की उम्मीद कहीं नहीं जा सकती। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह को आईसीसी
और IPL कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के ऑफेंस का जिम्मेदार ठहराया है और जसप्रीत बुमराह पर आरोप सिद्ध भी हो गए हैं और जसप्रीत बुमराह ने मान भी लिया है। लेवल 1 का ऑफेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, अपनी जर्सी को, सामने वाली टीम की जर्सी को अब्यूज करना और सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को, एम्पायर्स को अब्यूज करना, एग्रेशन दिखाना, लेवल 1 ऑफेंस के अंतर्गत आता है। जसप्रीत बुमराह इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है जैसा वो अमूमन होते हैं और जो मैदान है उस पर उनकी वो खींच दिखी, वो एग्रेसिव हुए और साथ ही एम्पायर पर भी एग्रेसिव हुए और बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर उनकी मैच फीस का 10% का जुर्माना उन पर लगा दिया गया है। दोस्तों, नीतीश राणा के साथ भी ऐसे ही हुआ। और दूसरी बड़ी चीज की, अगर जसप्रीत बुमराह आगे इस चीज को कंटिन्यू करते हैं तो बुमराह पर बैन लग जाएगा। और यही बात MIKKR वाले मैच की सबसे बड़ी बात की, क्योंकि बुमराह बहुत शालीन खिलाड़ी है और उनसे इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद कम से कम बुमराह जैसे महान खिलाड़ी से तो नहीं हो सकती थी। हालांकि खैर, खिलाड़ी के अलग अलग समय आता है और उस चीज का ही रिजल्ट हमें दिखा। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ओएडीएन स्मिथ ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आई कांट बी अ कायरन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो, ना मैं कायरन पोलार्ड हूं ना मैं ड्वेन ब्रावो हूं, मैं ओएडीएन स्मिथ। ओएडीएन स्मिथ जो कि इस साल पंजाब किंग्स की टीम में खेल रहे हैं, एक नया कैरेबियन फ्लेवर इंडियन प्रीमियर लीग में लेकर आए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में ओएडीएन स्मिथ एक बड़ा रोल निभाएंगे IPL में और वेस्टइंडीज फ्लेवर को बरकरार रखेंगे। अब कितना रखते हैं तो आने वाला समय बताएगा, बट स्मिथ का यह बयान आपको कैसा लगा वो आप बताइए कॉमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो भाई, एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है और इस पड़ोसी देश में IPL की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है और इसका रीजन IPL नहीं है। दरअसल दोस्तों, पूरा मसला श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। इस समय श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। चीन के कर्ज तले दबा हुआ श्रीलंका इस समय भारत के सामने तो एड मांग ही रहा है, क्योंकि पैसे नहीं है इनके पास। अब इतने रिसोर्सेज भी लंका के पास नहीं बचे हैं कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों को टेलीकास्ट कर सके। इनका जो नेशनल न्यूज चैनल है, नेशनल स्पोर्ट्स चैनल है, माफ कीजिए, वहां पर IPL के मैचेस का कवरेज था, अब उसे भी वहां पर बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है और अब IPL के मैचेस पूरी श्रीलंका में नजर नहीं आएंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये IPL लंका के लिए बहुत खास था, क्योंकि श्रीलंका के कई प्लेयर्स चल रहे हैं, जैसे कि पंजाब किंग्स में हम देख रहे हैं ओपनर के रूप में चल रहे हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हसरंगा का फॉर्म हम देख रहे हैं, मलिंगा भी जुड़े हुए हैं एक टीम के साथ राजस्थान रॉयल्स के कोच के रूप में, तो एक खास IPL था पर ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, बता देना। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट BCCI के हवाले से आ रही है। IPL में ड्यू से लड़ने के लिए BCCI एग्री स्प्रे का जो है इस्तेमाल कर रहा है, खेतों में नमी को हटाने के लिए एग्री स्प्रेस का इस्तेमाल होता है और BCCI इस बार मैदान में भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए खिलाड़ियों को हिदायत दी गई है कि आप अपने हाथों को, जब रात में ये स्प्रे का इस्तेमाल हो, अपने हाथों को मुंह में ना रखें। ये ऑफिशियल वार्निंग BCCI ने दी है, जब ड्यू के दौरान एग्री स्प्रे का इस्तेमाल पूरे मैदान में हो तो मैदान में, क्योंकि खिलाड़ियों के हाथ लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो MIKKR के बीच मैच हुआ, रिजल्ट आया, प्रेडिक्शंस कैसी रही हमारी, कई प्रेडिक्शंस की थी हमने, माई 11 पर टीम भी बताई थी, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी माई 11 पर अपना अकाउंट भाई जरूर बना लेना, डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक है, MCP2022 कोड का इस्तेमाल करेंगे, बाकी काम खुद हो जाएगा, फ्री में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।